नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिला मुख्यालय व आसपास शांति व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर शहर कोतवाली परिसर में सभी समुदायों की पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से चेहल्लुम व दुर्गा पूजा को लेकर कमेटियों व समितियों की बैठक थी। इस दौरान मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल मौजूद रहे। समितियों के लोगों से अधिकारियों ने संवाद किया और उनकी समस्याएं पूछी। वहीं शांति सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन को भी बताया गया। समितियों की सबसे बड़ी समस्या बिजली की आपूर्ति, बिजली के तारों के जंजाल, जर्जर सड़क, नाली की साफ सफाई के साथ ही विसर्जन के दौरान पानी की व्यवस्था को लेकर थी। लोगों ने कहा कि आजमगढ़ शहर की सड़कें बदहाल हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, चेहल्लुम का जुलूस जाना है जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहेंगी। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन यात्रा भी निकलनी है। इसके पहले अगर सड़कें दुरुस्त कर दी जाए तो स्थिति में सुधार आ सकता है। तार लटके हुए हैं जिससे करंट फैलने की भी संभावना बनी रहती है। कई स्थानों पर नालियां ओवरफ्लो हो जाती हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी समस्याओं को नोट किया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी समितियों को पुलिस के अलग अलग नंबरों को दे दिया गया है। मूर्ति कमेटी के लोगों को बताया गया कि अध्यक्ष के साथ 5 वॉलंटियर का नंबर भी दे दिया जाए और 24 घंटे वहां पुलिस की ड्यूटी लगी रहेगी। सड़कों को अवरुद्ध नहीं करना है। जो भी समस्या संयस विवाद की स्थिति होती है, इसकी सबसे पहले सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। ये अलग अलग पीस यहाँ पर सभी समुदाय को यहाँ बुलाकर पीस कमेटी मीटिंग यहाँ की गई, जिस इन्होंने चेहल्लुम के सिलसिले में, दुर्गा पूजा के सिलसिले में इन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई, जो प्रमुखता बिजली के को लेके, सड़क खराब होने को लेके और नाले की सफाई को लेके रही, और साथ में जो पानी की व्यवस्था की जानी मूर्ति विसर्जन को लेके, तो ये चीज़ें नोट करी गई हैं। ये सब चीज़ का समाधान किया जाएगा और इन लोगों को बताया गया सबको कि जो भी आयोजन हो किसी तरह से मार्ग अवरुद्ध नहीं होना है, ध्वनि नियंत्रण में रहना है। ये भी निर्देश सभी को दे दिए गए हैं। और जो मूर्ति विसर्जन होना है ये नदियों में नहीं बल्कि जो तालाबों में जो क्रिएट किए बनाए जाएंगे उसमें होना है, इस संबंध में इन लोगों को निर्देश दे दिए गए। पुलिस की तरफ से क्या सुरक्षा व्यवस्था गाइडलाइन, इन लोगों को ये बताया गया है कि पुलिस के सारे नंबर्स इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और बताया गया कि अगर कुछ भी छोटे से छोटा अगर कहीं विवाद होता है तुरंत पुलिस को सूचना दे दें, जो कि पुलिस तुरंत मौके पहुँच के समाधान कर सके।